हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ मैंगो स्टीम कर्ड की रेसिपी, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, कम चीज़ों में बन जाती है, कोई भी इसे बना के खा सकता है, बहुत ही टेस्टी स्वीट है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बाउल, तो आपको सभी चीज़ें इक्वल क्वान्टिटी में डालनी है। यहाँ पर मैंने लिया हंग कर्ड और उसको हम डालेंगे 60 ग्राम, और उसी के साथ में हम 60 ग्राम अमूल फ्रेश क्रीम डालेंगे। आप घर का भी क्रीम डाल सकते हैं, मलाई जितना लें सभी इक्वल क्वांटिटी में लें। और यहाँ पे दही, आप दही का पानी निकाल के लें तो ज़्यादा अच्छा है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क, तो वो भी जितनी आपकी दही है उतना ही ये लेना है, तो सभी चीज़ों की क्वांटिटी सेम रहेगी। इसको हम बहुत अच्छे से फेंटेंगे, इसमें कोई लम्स ना रहे, बिल्कुल स्मूथ सा बैटर जैसा एकदम बन जाए उतना आपको फेंटना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मैंगो पल्प, तो यहाँ पे जितना आप दही कंडेंस मिल्क क्रीम लेंगे उतना ही आपको मैंगो का पल्प लेना है। उसे मिक्सी में पीस ले मैंगो को, तो ये पल्प रेडी हो जाता है। इसे भी हम अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम डालेंगे 2-3 इलायची के दाने को आप कूट लें और उसको हम इसमें डाल देंगे। इलायची का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब चलिए हम इसे कटोरी में डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने घर का नॉर्मल कटोरी लिया है, जिस पे आप थोड़ा सा तेल या घी अप्लाई कर लें और इसे हम इसमें डाल देंगे। आपको इसको बनाने के लिए कोई मोल्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे स्टीम करके बनाइए, पतीले में स्टीम करें या फिर राइस कुकर में स्टीम करें। आज मैं आपको राइस कुकर में सिखा रही हूँ। आप इसे माइक्रोवेव में बना सकते हैं, लेकिन माइक्रोवेव में आपको नीचे पानी रखना पड़ेगा भाप के लिए, इसे डायरेक्ट नहीं पकाया जाता है, नहीं तो उतना ज़्यादा क्रीमी नहीं बन पाता है। तो आपको भाप देना पड़ेगा, नीचे पानी रख के उसके अंदर कटोरी रख के आप उसको माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं, ओटीजी में भी बना सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता के साथ में गार्निशिंग करेंगे और इसको फॉइल से ढककर स्टीम करेंगे, जिससे इसके अंदर भाप बन के पानी ज़्यादा ना जमा हो जाए। इसके लिए आप इसके सरफेस को स्मूथ ज़रूर कर लीजिएगा। अब मैं इसे ले रही हूँ अपने राइस कुकर के स्टीमर पे, और यहाँ पे राइस कुकर का जो पानी है उसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है, और उसके बाद ही हम इसको इसके ऊपर रखेंगे। आप गैस पे भी बना सकते हैं, तो ये बहुत ही इजी और कोई भी बना सकता है, इसमें ज़्यादा कुछ भी किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये 20 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। 20 मिनट के बाद ये अच्छे से पक जाता है। पकने के बाद ये अभी खाने लायक नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इसे सेट करना ज़रूरी है, अभी बहुत गर्म है। आप इसको जब इस तरह से हिलाइएगा तो कुछ थक्के जैसे जमी हुई दिखेगी, लेकिन ये सेट नहीं हुआ है। इसको हम ऐसे ही ढक कर फ्रीज में रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए कम से कम, उसके बाद आप इसे ठंडा ठंडा इंजॉय करें। ये ठंडा ठंडा ही खाया जाता है, इसके ऊपर कोई भी गार्निशिंग कर सकते हैं मैंगो के साथ में, या फिर ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। इसे बनाइए और खाइए, बहुत ही हेल्दी टेस्टी है। और आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ में।